पिछले चंद साल के दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसने सऊदी ख्वातीन की ज़िंदगी ही बदल दी है। ख्वातीन के हुकूक के लिए सऊदी अरब ने जो कदम उठाए उनसे जहां सऊदी ख्वातीन की खुशियों को पर लग गए, वहीं दुनिया ने भी इस तब्दीली पर वाह वाह की। जी हां, ख्वातीन के लिए नई राहें खुलने के बाद सऊदी ख्वातीन रीमुन नासिर ने मुल्क की राजधानी रियाद में सब्जियों की दुकान खोली थी, तो वो सऊदी अरब की पहली सब्जी फरोश खातून बन गई। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। सऊदी अरब में इन इनकलाबी तब्दीलियों में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अगर बात करें रीमुन नासिर की, तो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसे करने की हिम्मत इससे पहले कभी किसी सऊदी खातून ने ना की हो। अहम बात यह है कि इस मिशन में उनकी सऊदी सहेलियाँ भी शामिल थीं। रीमुन नासिर की इस पहल को शुरू में बहुत नापसंद किया गया, उन्हें बड़ी मुश्किल पेश आई। मकामी शहरियों को उनका ये कदम पसंद नहीं आया, ये मकामी मिजाज और रिवायात से हटकर था, लेकिन अब लोगों का रवैया तब्दील हो गया है। इब्तिदा में दुकान पर सिर्फ फल और सब्जियां ही रखी गई थी, लेकिन अब फलों के ताज़ा जूस के पैकेट्स भी फरोख्त किए जाने लगे हैं, जबकि सब्जियों के अचार भी ग्राहक पसंद करने लगे हैं। शहजादी रीमा के मुताबिक सऊदी अरब एक बैनुल अक्वामी मुआशरे का हिस्सा है। सऊदी अरब की बात अब सिर्फ औरतों के हुकूक की नहीं बल्कि सनफी गैर जानिबदारी की है, इसीलिए सऊदी अरब इस वक्त मजबूत तब्दीली से गुजर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि रीम की पहल के बाद अब सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ ख्वातीन ने इस सिमत में कदम उठाए हैं और सब्जी और फलों की ऐसी दुकानें नजर आने लगी हैं जिनकी कमान ख्वातीन ने खुद संभाल रखी है।